सो यू कैन सी दीज रसगुल्लाज आर सो स्पोंजी कितने ये सॉफ़्ट हैं और कितने परफेक्ट बने हैं और अंदर से बिल्कुल हॉलो है बहुत ज़्यादा लाइट सो बिकॉज़ आई फॉलो द राइज रेसिपी मैंने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है ना अरोरोट है ना मैदा है इट्स जस्ट प्योर पनीर एंड टू इन्ग्रीडियंट्स लगे हैं बनाने में सो लेट्स गेट इन टू द रेसिपी सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये मिनी रसगुल्लास के लिए मैंने लिया है अमूल का टोंड मिल्क ये मैं ब्लू पैकेट यूज़ कर रही हूँ और ये एक लीटर का पैकेट है इसको हम बॉईल कर लेंगे एंड इसमें मलाई नहीं आने देनी है इसलिए मैंने इस पर बार बार उसको स्टर किया है अब ये बॉयल हो गया है बॉयल होने के बाद इसको फाइव टू टेन मिनट्स रखना है साइड एकदम से इसको पनीर नहीं बनाना है एकदम से इसमें विनेगर हम नहीं डाल सकते हैं अब विनेगर का मिक्सचर बनाएंगे विनेगर के मिक्सचर के लिए है पानी एंड विनेगर विनेगर मैंने लिया है थ्री टेबल एंड धीरे धीरे करके पनीर में डाल देंगे एकदम से नहीं डालना है स्लोली स्टेप बाय स्टेप इसको थोड़ा थोड़ा डालना है जस्ट फॉलो द रेसिपी एंड जस्ट कीप ऑन एडिंग जब तक आपको एक ग्रीन कलर का लिक्विड नहीं मिल जाता है एंड में और पनीर आपका अलग हो जाएगा और एक बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का जो लिक्विड होता है वो आपको मिलेगा एज यू कैन सी इन द वीडियो एंड पनीर अपने आप अलग हो जाता है फिर उसको हम लोग ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर एंड देन एक बोल लिया है मैंने और फिर एक काटन क्लॉथ और आप कोई हैंगी या कॉटन या मसलन क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हो एंड सारा पनीर उसमें निकाल लिया है सो so दैट इसका पानी हम लोग स्ट्रेन कर पाए सारा नींबू का फ्लेवर निकालने के लिए या विनेगर का फ्लेवर निकालने के लिए आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद इसका सारा जो खट्टापन होता है या फिर जो सारनेस होती है वो सारी निकल जाती है और अब इसमें से सारा पानी हम लोग निकाल लेंगे सारा स्क्वीज़ आउट करके अच्छे से पानी निकाल लेंगे सेवन टू एट बार इसको ट्विस्ट किया है मैंने और पानी निकाल लिया है अब इसको रखना नहीं है बिकॉज ये टोंड मिल्क होता है तो उसको रखने की जरूरत नहीं पड़ती है इंस्टेंटली बन जाता है तो ये पनीर में से पानी निकल गया है व्हील इट इन द मिक्सर ग्राइंडर और फाइव टू टेन सेकेंड्स के लिए चलाना है इसको एंड जब तक हम अपनी चाशनी रेडी कर लेंगे तो चाशनी के लिए मैंने लिया है एक कप चीनी और पाँच कप पानी चाशनी पतली होनी चाहिए इसकी तो मिक्सर ग्राइंडर से ये पनीर बाहर निकाल कर अच्छे से इसको कंबाइन कर लीजिए बहुत ही हल्के हाथ से कीजिएगा बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है अदरवाइज़ जो रसगुल्ले होते हैं वो बहुत हार्ड बनते हैं बिल्कुल हल्के हाथ से ये जस्ट बाइंड हो जाएगा बहुत ईजिली अगर आप मिक्सर में डालकर इसको कर रहे हो तो अपने आप बाइंड हो जाता है अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और इस पर क्रैक्स नहीं होने चाहिए बॉल्स पर ये ध्यान रखिएगा एंड कोई भी मैदा या अरारूट इसमें नहीं डलेगा ऐसे ही बन जाते हैं और फटते नहीं हैं एंड तो ये बॉल्स सारे रेडी हैं अब उबलती हुई चाशनी में मेक श्योर sure कि आपकी चाशनी बॉइल्ड होनी चाहिए एंड बॉइल्ड चाशनी में वील एड इट ऑल द रसगुल्लाज और उसके बाद इसको कवर कर कर सिर्फ टेन मिनट्स तक पकाना है कुक करना है एंड दे विल भी रेडी टेन मिनट्स से एक मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए फॉर द परफेक्ट रेसिपी नाउ जस्ट कवर इट एंड लेट them कुक ये फाइव मिनट्स बाद आप देख सकते हो ये साइज़ में थोड़ा डबल होना स्टार्ट हो चुके हैं मैंने चम्मच से इसको हल्के हाथ से एकदम पलट दिया है एंड ये टेन मिनट्स बाद कम्प्लीटली रेडी हैं। एकदम आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हो मैंने बोल में निकाल लिया है उसमें मीठी चाशनी ऊपर से डाल के सात से आठ घंटे रखा है इसको एंड सात से आठ घंटे बाद ये देख सकते हो आप कितने ज़्यादा स्पन्जी बने हैं सो द की इज़ आप उसी टाइम इसको नहीं खा सकते हो सात से आठ घंटे आपको रखना पड़ेगा और चाशनी आप डाल सकते हो ऊपर से उसको मीठा करने के लिए बिकॉज वो कम हल्की uh, मीठी चाशनी होती है हल्की मीठी दैट इज बाई यू कैन ऐड मोर शुगर सिरप एंड यू कैन सी इट्स वेरी स्पंजी एंड कुछ भी हमें मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी है एंड दे कम आउट रोली परफेक्ट सो डू गिव इट अ ट्राई एंड लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग